अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय लॉन। पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था सर्दियों में कि मैंने कौन सी सब्जियां लगाई, और मैंने विंटर गार्डन आपके साथ शेयर किया था। अब आ गई हैं गर्मियां, तो मैं सोचा कि गर्मियों का भी अपडेट बनाई जाए, मैंने कौन कौन सी सब्जियां लगाई हैं, और आपके साथ जो सर्दियों में मैंने सब्जियाँ लगाई थी बीज से वो भी मैं आपको थोड़ी बहुत दिखाऊँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं इस एरिया से जिसको मैंने काफ़ी मॉडिफाई किया है, इसमें बहुत ज़्यादा एडिशन्स किए हैं। तो सबसे पहले ये जो जगह थी, ये हमारी जो थी वाटर क्लॉक थी, इधर कोई ड्रेनेज नहीं था और पानी यहाँ पे जमा हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ उग नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया कि ब्लॉक्स लिए कुछ, और वो मैंने रख के उनके ऊपर मैंने ग्रो बैग्स बहुत सारे डाल दिए जिन पे हम अब सब्ज़ियाँ उगा रहे हैं। तो ये ग्रो बैग्स भी मैंने डिफरेंट किस्म के, आपको मैंने पिछले बार भी डिस्कस किया था, आपको दिखाए थे, इस बार मैंने और ऑर्डर किए हैं दराज से। ये थोड़ा सा वाइड है, इसकी गहराई थोड़ी कम है, अच्छी खासी गहराई है अगर सब्जियों के लिए आप रखें, मगर फिर भी और भी से गहरे हैं, बट ये गहराई थोड़ी कम है, मगर ये वाइड है, फैला हुआ है। तो इसमें हमने सब्ज मिर्च लगाई हुई है, इसके बीज लगाए हैं, ये दराज से मैंने ऑर्डर किए हैं सारे बीज जो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये बीज मिर्चों के लगे हुए हैं, इसके दो तीन बल्कि निकले हैं, चार पौधे निकल चुके हैं, ये मिर्चें हमने लगा दिए हैं। और यहाँ पर इस क्यारी में हमने जो है कद्दू लगा लिया है, इसका भी अच्छा रिज़ल्ट आया है माशाल्लाह से, प्यारा पौधा निकला है इसका। और ये दोनों जो हैं ये गोल कद्दू आप कह लें इसको, ठीक है, ये भी बीजों से लगाया है, ये आप समझ लें लौकी, ठीक है, इसका भी अच्छा रिज़ल्ट आया है। ये बैगन दो किस्म के मैंने लगाए हैं, ये है जी थोड़ा लंबा वाला बैगन, ये गोल बैगन है, इन दोनों के आपको बीज दराज पर मिल जाएंगे, और ये सारे हाइब्रिड बीज हैं जिनकी मैं लिंक नीचे डाली हुई है, तो ये आप बीच से सारी चीज़ें लगा सकते हैं। भिंडी भी लग चुकी है, और इसका ये आप देखें इस ग्रो बैग का साइज़ अच्छा खासा है, इस पर आप पूरा दरख्त भी लगा सकते हैं। अगर आपका छत है और कोई आपके पास लॉन नहीं है, टेरेस है, तो आप ये ग्रो बैग लेके, इसमें अच्छी खासी मिट्टी आती है, मतलब एक बंदा इसको नहीं उठा सकता, तो आपको तीन चार बंदे चाहिए होंगे, तो इसमें आप पूरा दरख्त भी लगा सकते हैं। बट अभी फॉर नाउ हमने इसमें भिंडी लगाई है इन दोनों में। और ये मेरा जो है पपीते का दरख्त है, और पपीते के दरख्त के बारे में मुझे, हमने तीन चार लगाए थे, और वही मैंने जैसा आपको पहले बताया यहाँ पे पानी बहुत खड़ा होता था, तो हमारे तरफ एक ही दरख्त बचा है। बट पपीते के दरख्त के बारे में मैंने एक चीज़ सीखी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, कि पपीते के दरख्त का मेल और फीमेल होता है, तो ज़रूरी है कि आप मल्टीपल लगाएँ पपीते के दरख्त, ताकि अगर आपको पपीता फ्रूट चाहिए, अगर आप आम पपीते के बीज से पौधा निकालते हैं तो उसमें ये इशू आता है। बट अब बहुत सारी वैरायटीज़ जो नर्सरीज़ में मिलती हैं वो हाइब्रिड होती हैं, वो एक ही दरख्त के अंदर मेल और फीमेल दोनों होता है, मगर ये जो दरख्त है वो मेल है, तो ये फ्रूट नहीं देता है, बस ये दरख्त है, इसके जो फीमेल है वो कोई है नहीं, तो इसलिए हमें इसका कोई इतना फ़ायदा नहीं है। बट अभी हमने इसको रखा हुआ है फॉर खूबसूरती। इस तरफ जो है हमने ये टमाटर की बीज लगा दिए हैं, टमाटर इसमें निकलना शुरू हो गए, छोटे छोटे पौधे, और आगे जाके आप देख रहे हैं ये ज़बरदस्त जो है हमारे करेले निकल रहे हैं, जिनको हम यहाँ पे बेल लगा के इसको इधर ऊपर करेंगे, यहाँ पे रस्सी लगा के, तो हमारे करेले भी निकलेंगे। उसके आगे जो है करेले के आप देख सकते हैं वो है हरा धनिया, और ये हरा धनिया पिछला जो ये लगा हुआ है ये पुराना है, ये वही जो मैंने दराज से बीज ऑर्डर किए थे ये उसी से लगा हुआ है। खैर आपको कोई ख़ास बीज की ज़रूरत नहीं है, आप साबुत धनिया क्रश करके इस पे डाल देंगे तो धनिया निकल आएगा, बट ये भी यहाँ पे हमने धनिया लगा दिया है। यहाँ पे जी हमारी मिर्चें लगी हुई हैं, ठीक है, और मिर्चों का हमेशा कामयाब रही हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मिर्चें घर में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वहमी थोड़ा होता है लोगों का कि नहीं लगानी चाहिए, मेरा इस पर बिलीफ थोड़ा डिफरेंट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी तो है इस बारे में कि मिर्चें नहीं लगाएँ और वो ना लगाएँ ये ना लगाएँ, पर मेरे ख़्याल से हम ये जो चीज़ें हैं ये खाने पीने की चीज़ें हैं, हम इनको पेट में डालते हैं, जब पेट में डाल रहे हैं तो अगर कोई इतनी ख़राब चीज़ है तो उसमें हम पेट में क्यों डाल रहे हैं, उसको उगाने में कोई मुझे नहीं लगता कोई मसला होना चाहिए। और जो ये नेगेटिव से एसोसिएशन है इसको घर पे लगाने की, मुझे लगता है कि इट्स अनकॉल्ड फॉर, तो हमें ख़ुद अपनी चीज़ें घर में उगानी चाहिए। मिर्चें मैं काफ़ी टाइम से उगा रहा हूँ और हमेशा बड़ा अच्छा रिज़ल्ट रहता है, और फ्रेश मिर्च खाने का अलग ही मज़ा होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था ये ग्रो बैग जो मैंने, जिसमें आलू लगाए हैं, इसके नीचे एक विंडो थी जिससे आप आलू शालू निकाल सकते हैं,
पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि कोई इतना ख़ास इसका फ़ायदा नहीं है, बट आलू अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लग गए हैं। हमने सब्ज़ी वाले से जो आलू लिए थे वही हमने इसके अंदर गाड़ दिए थे और उससे बहुत बड़े बड़े पत्ते निकले थे, वो भी कट गए। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट करें और निकालें तो देखते हैं क्या निकलता है। ये आप देखें, ये घर का आलू माशाल्लाह लगा हुआ है, नज़र आ रहा है। देखें, इट्स सो सिंपल टू ग्रो दी थिंग्स। ये आलू इतने छोटी सी जगह में हमने उगा लिए, और अभी इसको मैं थोड़ी और देर रखता तो ये शायद और उग जाता, पर मैंने आपको दिखाने के लिए कि मैंने आम से एक ग्रो बैग में जो है ये आलू उगा लिए। तो अभी तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगाया था, आलू इज़ वेरी इजी। तो आगे जाके हमें थोड़ा आरओआई जो अगर अपना अच्छा करना है तो हम इसमें कोशिश करेंगे अब अदरक लगाएं। आलू बाज़ार में वैसे ही इतना सस्ता होता है तो इट्स नॉट वर्थ कि आप उसको यहाँ लगाएँ और इतनी मेहनत करें, मगर शौकिया तौर पर हमने ये लगाया था। अब हम मैं इसको जो हूँ नेक्स्ट जो मेरा फेज़ है वो मैं अदरक लगाने की कोशिश करूँगा। अदरक बाज़ार में बड़ी महंगी मिलती है, तो अगर हम सक्सेसफुली इसको घर पे लगा लेते हैं अदरक को और हम घर की अदरक खाते हैं तो आई थिंक वी कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। और अगर बहुत ज़्यादा होती तो हम शायद हमसायों में भी बांट दें, बट दिस इज़ गुड, ये अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा है। अच्छा, कोशिश करें जो सारे हमने बीज लगाए हैं उसके लिए खाद भी मैं आपको दिखाऊँगा, वो भी मैंने दराज से ऑर्डर की थी। खाद डालें और उसके साथ साथ जो है आप शावर जो फवारा होता है उससे पानी दें। मैं आपको बल्कि दिखाता हूँ हमारा जो शावर है, तो इस तरह का शावर भी आपको दराज से मिल जाएगा, उसकी भी लिंक मैं डाल देता हूँ। तो इसके सामने ही तो वैसे भी आप इसको एज अ कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसको मुर्गियों को पानी देने के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ। पूरा भर के ये पूरा निकाल देता हूँ और इसमें आप सामने ये लगा के इसका शावर भी होता है, और आप कोशिश करें हमेशा शावर से पानी दें ताकि आपकी जो है सब्ज़ियाँ ख़राब ना हो, बीज ख़राब ना हो। अच्छा, ये एक ऐसा एरिया था जो थोड़ा अंडर यूटिलाइज था, क्योंकि एक तो ये सीढ़ी थी, ठीक है, इसके नीचे जो थी घास लग भी जाती, एक तो घास लग नहीं रही थी क्योंकि यहाँ थोड़ा सीमेंट वगैरह था, बट अगर घास लग भी जाती तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ वैसे भी कोई चलता नहीं है, या ये एक मतलब एक समझ लें कि एक डेड स्पेस थी। तो इसको मैंने मल्टीपल तरीके से इसको यूटिलाइज़ किया। एक तो मैंने यहाँ पे बड़ी बड़ी क्यारियाँ लगा दी तो हम यहाँ पे कोई चीज़ अब ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली जो ये पीछे वाली जगह थी इसे मैंने बहुत काफ़ी गहरी मोटी क्यारी लगाई है, डीप क्यारी है ये, और ये ऐसी जगह थी बिल्कुल डेड थी। और इसका फ़ायदा ये है कि ये क्योंकि सीढ़ी भी थी बड़ी ऊपर जा रही है तो यहाँ पे एक आप बेल शेल वाली चीज़ें भी लगा सकते हैं। तो हमने इस बार इंशाल्लाह और बड़े कामयाबी से हमारा बड़ा कामयाब गया है, हमने इस बार पीछे जो है खीरा लगाया है। ये जो है इस बार हमने यहाँ पे खीरा लगाया है और खीरा हमने बीच से लगाया और काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तक और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो आगे जाके देखते हैं, मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर मैं शेयर करूँगा कि इसका कैसा रिज़ल्ट आ रहा है, इसकी प्रोड्यूस कैसी है। ये आप देखें सैलरी, ये भी मैंने बीच से लगाई थी, आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, और ये अभी तक चल रही है और ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है, इतना मोटे मोटे तने इसके आप देखें। ये पार्सले है, ये भी बीच से लगाया था और ये हम यूज़ कर रहे हैं पार्सले, और ये भी मैं आपको बता रहा था कि मैं पार्सले और सैलरी क्यों लगाई थी, क्योंकि आपको सब्ज़ी वाले के पास आसानी से नहीं मिलती, तो जो भी चीज़ नहीं मिलती सब्ज़ी वाले के पास आसानी से वो मैं कोशिश करता हूँ घर में लगा लूँ। इसके अलावा पुदीना बड़ा ईजी टू ग्रो है, यहाँ पुदीना पुदीना ही पुदीना है, और हरा धनिया, ये दो आपके ऐसे स्टेपल्स हैं जो हर वक्त यूज़ होते हैं। अच्छा, ये भी एक मैंने ग्रो बैग ऑर्डर किया है दराज से, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये मतलब हैंगिंग है, तो इसमें मैंने हरा धनिया लगाया, पुदीना लगाया है। इसका एक जो मैंने नोटिस किया है थोड़ी देर में एक्सपेरिमेंट जो मैंने किया है उसमें ये कि जो इसकी सॉइल का जो पानी है ना ये बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है ग्रो बैग्स जो हैं बड़े हवादार होते हैं, इसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात की थी, तो ये बड़े हवादार होते हैं तो इनका पानी बड़े जल्दी ड्राई आउट हो जाता है। तो इसमें हरा धनिया इतना कामयाब नहीं रहा, जैसे आप देख सकते हैं ये थोड़ा ड्राई आउट हो गया, इवन दो मैं इस पर रोज़ पानी देता हूँ, तो ये एक्सपेरिमेंट सही नहीं रहा। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ लगाइएगा जो ड्राई सॉइल में भी कामयाब रहे। इसके अलावा हमारे घर में आम का दरख भी लगा हुआ है और माशाल्लाह इस बार हमारे यहाँ कैरियाँ लग चुकी हैं, इंशाल्लाह बड़े होके अच्छे अच्छे मीठे मीठे आम भी बन जाएंगे। और अंगूर भी हमारे घर में लगा हुआ है, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं अंगूर भी लगा हुआ है, ये काले अंगूर हैं तो भी काफ़ी कच्चे हैं ये, बट इवेंचुअली ये पूरा जो हमने पूरा छज्जा बनाया हुआ है यहाँ पे पूरी अंगूर की बेल फैली हुई है, और माशाल्लाह पिछले साल भी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया था और इस बार भी उम्मीद है बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो ये हैं जी पाकिस्तान में रहने के मज़े,
आपको ये सारी नेचुरल चीज़ें आप घर पे उगा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं अल्लाह की नेमतों को। तो अब इस तरफ आ जाते हैं, ये हमने लिलीज़ लगाए हुए हैं, काफ़ी प्यारे के फूल हैं। और ये मतलब तकरीबन यही पौधे जो हमारे तकरीबन 2 साल से चल रहे हैं, तो ये चलते हैं फिर बंद सर्दियों में ख़त्म हो जाते हैं फिर चलते हैं। यहाँ पे मैंने पिछले साल लिया था नींबू का पौधा, क्योंकि नींबू हमारे घर में नहीं लग रहा था, वही क्योंकि वाटर क्लॉगिंग हो रही थी पीछे, तो मैंने इस बार इसको गमले में लगाया था और इस बार ये बहुत कामयाब रहा है। इसने अभी आपको फूल इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, शायद नीचे इसकी कलियाँ नज़र आ रही होंगी जो गिर गई हैं, बट इट्स बहुत सारा इसमें इस बार फल लगेगा इंशाल्लाह। और अगेन मैं इंस्टाग्राम में आपको अपडेट्स देता रहूँगा, मगर इसमें आप देख सकते हैं कितने फूल लगे हुए हैं, जितने फूल हैं उतने नींबू होंगे। तो बेसिकली ये जो है बनना शुरू हो गया है, ये बड है इसका, इंशाल्लाह ये पूरा अभी नींबू बनेगा। कोई नींबू का वो सर्कल नहीं नज़र आ रहा, बट आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, बल्कि ये गिरा हुआ है, वाह जी वाह, एक नींबू गिरा हुआ है। खैर, ये जो है हमारा सिट्रस फ्रूट है, मीठा, इसको दिखाया, इसमें अच्छा खासा फल लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, ये भी लगा है, ये भी, ये सारा मीठे मीठे होते हैं, स्वीट लाइम कह सकते हैं आप इसको। और ये काफ़ी पुराना हमारा पौधा है, ये तकरीबन सर्दियों में जाके तैयार होगा, इस पर फल लग चुका है। तो अब आ जाते हैं मेरे जो दो बड़े फल के दरख्त हैं, एक आड़ू है और एक अमरूद है। इसमें मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि इनके जो फल निकल रहे थे उसमें कीड़े आ रहे थे बार बार, तो इसके लिए मैं बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा हमारा फ्रूट ज़ाया हुआ है, बहुत इस पर रिसर्च मैंने की, बहुत सारे लोगों से पूछा, स्प्रे किया, उसका तो इफ़ेक्ट नहीं आया, कभी हम लेट भी हो गए। बट फिर मुझे एक इस बार मैंने एक नई चीज़ ट्राई की है, वो है फ्लाई ट्रैप। और मसला ये होता था कि जब फ्रूट बिल्कुल लग रहा होता था तो एक मक्खी होती है, ख़ास मक्खी, वो जो है इन फूलों के अंदर या फल के अंदर, जो बिल्कुल नया जब बच्चा होता है फल, उसके अंदर वो अपने अंडे दे देती थी वो मक्खी। और जब आपका फल तैयार होता था तो उसके अंदर बिल्कुल वाइट वाइट से या ट्रांसपेरेंट से जो है वो वर्म्स होते थे, ठीक है। तो इस बार मैंने अगेन वो फ्लाई ट्रैप लिए हैं, सारे मैंने दराज से ऑर्डर किए हैं, डिफरेंट किस्म के, दो किस्म के मैंने ऑर्डर किए हैं, और उसकी जो दवाई है वो भी मैंने दराज से ऑर्डर की है। तो ये चीज़ है बेसिकली, इसमें ये जो ढकने आपको सिर्फ दराज से मिलेंगे, ये 300 रुपये के आपको 2 मिलेंगे, और इसमें आप कोई भी नेस्ले की बोतल या ये अच्छा विनीगर की बोतल सोया सॉस की मैंने लगाई हुई है, इसमें मैंने रूहअफ़ज़ा मिलाया ताकि उसमें थोड़ी खुशबू आए। और ये जो इसकी स्टिक है, इसमें आपने दवाई लगानी होती है जो उस मक्खी को जो है वो ट्रैप करती है। इसके यहाँ पर जो है वो अंदर सुराख होता है अंदर जाने का, मगर उससे मक्खी वापस नहीं आती। तो बेसिकली एक दफ़ा मक्खी अंदर चली गई इस खुशबू की वजह से या रूह अफ़ज़ा की खुशबू की वजह से, तो जब एक दफ़ा अंदर चली गई फिर वो वापस नहीं आती। तो बड़ा क्रिटिकल है कि आपने उसको इस चीज़ को तब लगाना है, इस ट्रैप को, जब आपका जो फल दार दरख्त है वो फलों पर आने वाला हो, फूल दे रहा हो, ठीक है। एक मैंने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे, तो 2 आपको ढकने मिलेंगे तकरीबन 350 के मैंने लिए थे, उसकी लिंक मैं डाल देता हूँ, ये चाइना से आएंगे। एक में मैंने रूहअफ़ज़ा डाला था, इसके नीचे आप देख सकते हैं, इसके नीचे काली 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 आपको बहुत सारी मक्खियाँ नज़र आ रही होंगी, ये आपकी ख़ास मक्खी है, इसमें कोई और मक्खी आपकी जो घर वाली मक्खी है वो इसमें नहीं जाएगी। तो ये जो जहर है जो फ्लाई ट्रैप में जो हम दवाई डालते हैं वो ख़ास तौर पे एक ख़ास मक्खी को अट्रैक्ट करता है जो आपके अमरूद को और आड़ू को ख़राब करती है। तो एक बोतल में जो है मैंने रूहअफ़ज़ा डाला था, एक में नहीं डाला था, मैंने कंपेयर करना था रिज़ल्ट सेम आता है या डिफरेंट आता है, सेम रिज़ल्ट आता है, तो ज़रूरी नहीं आप रूहअफ़ज़ा डालें या नहीं डालें, एक ही बात है, जहर होना चाहिए उसमें। तो ये मक्खी की मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें कितनी सारी इसमें मक्खियाँ आई हुई हैं, ये सारी मक्खियों ने हमारे पौधों हमारे फलों को ख़राब करना था, बट नाउ दे वोंट। तो ये एक कामयाब तरीन चीज़ रही है। तो इसकी लिंक, इस ट्रैप की लिंक जो है मैं डाल देता हूँ, ये एक स्टिक आती है इसके साथ, और ये आप कोई भी नस्ले की बोतल है उसमें इसको लगा सकते हैं। ये एक तो ये ट्रैप हो गया, दूसरा ट्रैप जो मेरा कामयाब नहीं रहा, ये भी मैंने दराज से लिया था, ये ट्रैप इसने जो है इतना कोई कामयाब नहीं रहा, इसमें भी वैसे आई हुई हैं मक्खियाँ। इसमें बेसिकली आपको एक रूई का जो है वो बड डालना होता है, और मगर आप देखें इसका रिज़ल्ट बहुत ख़राब रहा है, कोई मतलब 2-3 मक्खियाँ ही हैं, ज़्यादा नहीं है, 5-6, मगर उसकी देखें क्या बेहतरीन रिज़ल्ट रहा है इस वाली का,
जो दवा हमने यूज़ की है वो है ये मिथाइल यूजीलोन इम्पोर्टेड फ्रॉम जापान। ठीक है, ये आपको मिल सकती है, इसकी भी लिंक मैं डाल दूँगा। इसको आपने हर दो हफ्ते पे लगाने, दो हफ्ते की इसकी इफ़ेक्टिवनेस होती है, उसके बाद जो है ये काम करना छोड़ देती है। तो मेक श्योर कि जब आप ये फूल आ गए हों तो आपने ये फ्लाई ट्रैप लिया हुआ हो और उसमें आपने ट्रैप में ये दवाई डालनी है। और ये मैं आपको दिखा दूँ, बीच के जो मैंने ऑर्डर किए थे ये उसके दो मैंने पैक ऑर्डर किए थे, तो ये जो सारे बीज हैं वो इस तरह से आपको आते हैं और ये आप ऑर्डर कर सकते हैं दराज से, वेरी वेरी मिनिमल कॉस्ट है इनकी क्योंकि बीज है। इसके अलावा जो है आप खाद भी दराज से ऑर्डर कर सकते हैं, बिलीव इट नॉट, और काफ़ी रीज़नेबल रेट्स हैं इनके। ये जो है पौधों, ये पत्तों की खाद है, मेड इन पाकिस्तान, 20 किलो की ये खाद है। ये जो है वर्मी कॉम्पोस्ट है, ये जो आपके वर्म्स होते हैं उनके जो लेफ़्ट ओवर्स होते हैं, ये उनका जो लेफ़्ट ओवर्स से खाद बनती है, बहुत ज़बरदस्त है ये भी चीज़, इसको कहते हैं वर्मी कॉम्पोस्ट। ये मैंने 5-5 किलो के थैले हैं, तो ये 10 किलो है मेरे पास। और ये आपकी आम खाद है, गोबर जो है आपका, ठीक है, ये वो चीज़ है। तो ये चीज़ें हैं, और ये मैंने यूरिया भी ऑर्डर किया थोड़ा बहुत। अच्छा, पिछली बार मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कोशिश किया करें कि आप ऑर्गेनिक खाद यूज़ करें, ये जो बाकी केमिकली प्रोड्यूस्ड खाद होती है उसका नुकसान ये होता है कि आपको पहले तो रिज़ल्ट बड़ा अच्छा मिलता है, मगर आपकी जो सॉइल का टेक्सचर है, उसके जो पूरे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो सारे उससे ख़राब हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है आपकी मिट्टी के अंदर, तो आपकी जो मिट्टी की बायोडाइवर्सिटी है वो ख़राब हो जाती है। आपके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का फ़ायदा ये होता है कि ये अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये स्लोली स्लोली रिलीज़ करते हैं, और इनमें कोई भी ऐसी केमिकली चीज़ नहीं होती जो आपके पूरे सिस्टम को जो है वो इम्बैलेंस कर दें। तो मैं अपने घर में सिर्फ जो है ऑर्गेनिक खाद यूज़ करता हूँ, क्योंकि अगेन शॉर्ट टर्म आपको रिज़ल्ट शायद इतना अच्छा ना मिले, बट लॉन्ग टर्म में आपकी जो सॉइल की जो बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहती है और आपको लॉन्ग टर्म अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।